Hello every staff members, to the old branch and the new branch, the child care public schools and the child care international schools. Here we are gathered to know some kind of information about the online classes. You know how the online class works. There are lots of ways through which we can know or we can work in how the online classes works. First of all, I would like to say the session will be a bilingual language. That's why each and every staff members can understand what I'm trying to say or what we have to do in the further weeks or the further months. So basically, this session would be going on both language Hindi and English, ताकि हम सभी के लिए समझने में आसानी रहेगी कि किस तरीके से हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस को रेगुलर कर सकते हैं. सो देर आर लॉट्स ऑफ वेज. फर्स्ट वे इज अवर व्हाट्सएप वर्क. सो थ्रू व्हाट्सएप दिस इज अवर फर्स्ट वे. बट द क्वेश्चन इज पेरेंट्स जो है वो बोर हो रहा है. हर कोई पेरेंट्स वो बोर हो रहा है कि आप सिर्फ व्हाट्सएप पे 2 और 3 पेजेस भेज देते हो, फीस किस नाम की. हमारी भी मेहनत है, हमको काम उतना ही करना पड़ रहा है सभी टीचर्स को. चाहे वो हम व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ाइए, चाहे ऑनलाइन के थ्रू पढ़ाइए, हमको एक चैप्टर्स में से गो थ्रू होने में टाइम उतना ही लग रहा है. सभी टीचर्स को उतनी मेहनत करनी पड़ रही है. बट यहाँ पे क्वेश्चन है पेरेंट्स को किस तरीके से सेटिस्फाई करना है. तो पहला जो ये तो है व्हाट्सएप, ये तो पेरेंट्स की समझ में आ नहीं रहा. तो चलो आ भी रहा है तो बहुत ही कम को आ रहा है. मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वॉन्ट्स सम काइंड ऑफ इंटरनेशनल लेवल और सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल लेवल, जैसे कि हमारे और हायर स्कूल जस्ट लाइक RPS, DAV, CCS ये सब कर रहे हैं. तो सेकंड हमारा जो वे ऑफ टीचिंग है वो आ सकता है हमारा YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अभी के लिए नहीं, स्कूल के नेक्स्ट सेशन तक भी, अगला सेशन जो भी आएगा उस पर भी आपका कंटेंट रखा रहेगा. जो फर्दर न्यू टीचर्स आएंगे, ओल्ड टीचर्स आएंगे, वो आपके एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा सभी टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी. ऐसा नहीं है जस्ट लाइक आप बाहर किसी रिलेटिव्स के पास जाते हैं, बाहर अपनी सोसाइटी के वहाँ पे जाते हैं तो आप बोल सकते हो यू कैन सी माई कंटेंट हेयर. मेरा एक स्कूल का चैनल है या मेरा अपना पर्सनल खुद का चैनल है और मैं अपने यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हो. तो यूट्यूब के थ्रू भी होती है. थर्ड आता है हमारा जूम. जूम क्लासेस. सो जूम क्लासेस के यूट्यूब के व्हाट्सएप के बहुत सारे एडवांटेजेस भी है और ड्रॉबैक भी है. एडवांटेजेस व्हाट्सएप के ये है कि सिंपली हमको फोटो मिल जाता है, उसको 2 मिनट में डाउनलोड किया, फटाफट वर्कशीट किया. बट स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाता किसी भी टीचर्स का. स्टूडेंट अपने प्रॉब्लम्स नहीं शेयर कर सकता और टीचर्स उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर सकता व्हाट्सएप के थ्रू. आपने बस 2 और 3 वर्कशीट सेंड की, काम खत्म. बच्चे को चाहे समझ आए या ना आए, वो अपनी क्वेरीज 1 हफ्ते बाद लेके आए, 10 दिन बाद लेके आए, 3 महीने बाद आपको पता लगा जो आपने सारी मेहनत की है व्हाट्सएप के थ्रू, वो बच्चा बोला मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आया. अब सोचो, अब जुलाई के टाइम पे कोई बच्चा अप्रैल का सिलेबस मांग ले आपसे, आपके फ़ोन में अप्रैल का काम मिल जाएगा किसी के पास? किसी के पास भी नहीं मिलेगा. सबके फ़ोन स्मार्टफोन से कितना स्टोर कर लेगा कोई, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का. यहाँ पे काम आता है YouTube हमको इस तरीके से हेल्प करता है. आप चाहे अप्रैल का सिलेबस ले लीजिए, मई का सिलेबस ले लीजिए, जून का सिलेबस ले लीजिए, अब कंटेंट हमारे पास अवेलेबल हमेशा मिलेगा. YouTube के पास कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो 2 पेजेस को रखेगा, 4 पेजेस को रखेगा. उसके पास अनलिमिटेड वीडियो स्टोरेज का है. बेनिफिट आपको भी है, बेनिफिट स्टूडेंट्स को भी है. सपोज कीजिए किसी पेरेंट्स, कोई पेरेंट्स है वो अपने बच्चे से फ़ोन दूर लेके चला गया, कोई मामा के चला गया, कोई यहाँ चला गया, कोई वहाँ चला गया. वो बोलेगा मेरा फ़ोन तो था ही नहीं मेरे पास, मैं कैसे पढ़ाई करूँ, 15 दिन की पढ़ाई मेरी तो गई, मैं अपनी पढ़ाई कैसे करूँ. कोई बात नहीं, उसका सोल्यूशन यूट्यूब के पास है. 15 दिन बाद कोई बात नहीं, वीडियोस एक प्लेलिस्ट के अंदर लगी हुई है, जाके देखिए. आज देखिए, कल देखिए, सितंबर में देखिए, अक्टूबर में देखिए. स्कूल ने अपना काम करा दिया, टीचर्स ने अपना काम करा दिया. अब ये टीचर्स की, पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो उसको कब कराए कब नहीं. आपकी जिम्मेदारी ख़त्म, इससे आपका वर्कलोड ख़त्म होता है यूट्यूब से. प्लस
चैनल को जो बूस्टअप मिलेगा वो अलग से, और प्लस जो जैसे कि हमारी चाइल्ड केयर पब्लिक स्कूल की 20 साल से ब्रांच है उसकी अलग इमेज बनेगी। चाइल्ड केयर इंटरनेशनल स्कूल जो हमारी अपकमिंग ब्रांच मार्केट के अंदर लॉन्च हो रही है उसकी अलग इमेज बनेगी, एक अलग ब्रांड की तरफ से सामने निकल के आएंगे हम। थर्ड है जूम क्लासेस, ये वो होते हैं जूम क्लासेस की डिमांड करने वाले, जो पेरेंट्स बहुत सारे बोलते हैं यूट्यूब पे तो पहले से ही नहीं है जी, आप यूट्यूब पे पढ़ा के ऐसा क्या अलग कर रहे हो, मतलब वो परेशान करने वाली बात होती है कि यूट्यूब पे तो पहले से ही आप जो आप कुछ अलग कीजिए। चलो पेरेंट्स के लिए उनके पास भी गए, जूम क्लासेस पे हम डायरेक्ट लाइव जाते हैं। सपोज कीजिए आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 में से 25 के पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन ये बड़े वाला 4G, 25 में से 20 के पास इंटरनेट का रिचार्ज है, उसमें इंटरनेट है, 5 के पास फिर भी नहीं है, जो 20 है उसमें से 5 फिर भी बीमार हो गए, किसी की मम्मी यहाँ है वहाँ है, स्टूडेंट रह गए 15, अटेंडेंस उनकी होगी मोस्टली 12 और 10, आखिर में 10 से 30 बच्चों की क्लासेस से आप 10 और 12 बच्चों को ही पढ़ा पाएंगे इससे। फिर वही प्रॉब्लम व्हाट्सएप वाली आ जाती है इसके अंदर, मेरा तो बच्चा एबसेंट था, मेरा तो कल नेट ही नहीं चला, मैं कैसे काम करूं, तो आपका वर्कलोड बढ़ गया ना। प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर या पेरेंट्स जो भी है वो तो आपको बोलेंगे काम दीजिए, पेरेंट्स मांगेगा जी मुझे नहीं पता मैं फीस तब दूंगा जब मुझे काम मिलेगा, मुझे काम दीजिए, तो व्हाट्सएप में फिर वही प्रॉब्लम आ गई, जूम क्लासेस के अंदर फिर वही प्रॉब्लम आ गई। तो ये बेनिफिट्स है यूट्यूब के, जूम क्लासेस के। आपको आईटी सेक्टर से कभी ना कभी इंट्रोड्यूस तो होना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि भाई हम तो ओल्ड एज है अब क्या ज़रूरत रह गई। तो ये जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है ये हमारी अभी तक नहीं, काफ़ी लंबे समय तक जाने वाली है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, तो हमको इससे भागना नहीं है, किसी भी टीचर्स को भागना नहीं है इससे, हर एक को गो थ्रू होना है। व्हाट्सएप से भी से तो खैर हम है ही, लेकिन व्हाट्सएप का एक जो ड्रॉबैक है वो ये होता है इसके अंदर हम 100 MB तक वीडियो सेंड कर सकते हैं, और 100 MB की वीडियो बनती है 1 मिनट की, तो क्या आप 1 मिनट में सब कुछ पढ़ा पाओगे? 100 MB तो व्हाट्सएप पे तो वे वीडियो का फॉर्मूला यहाँ पे फेल हो गया। यूट्यूब के पास आप 100 MB का 1 GB तक की वीडियो अपलोड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये आपकी नेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नेट अगर ज़्यादा है तो आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, अगर आपके नेट की स्पीड स्लो है तो आप अपलोड की जगह डायरेक्ट लाइव जा सकते हो। ये आपको अपनी सुविधाओं के अनुसार अपनी ज़रूरतों के अनुसार खुद डिसाइड करना है, इसमें स्कूल पेरेंट्स किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है, ये स्कूल डिपेंड, ये आपको देखना है कि अपलोड करनी है कि लाइव पे जाना है। और जूम क्लासेस के अंदर भी सभी के केस में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, इंटरनेट आपका फास्ट स्पीड पे होना चाहिए, चाहे आप जूम क्लासेस ले चाहे आप यूट्यूब ले। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब लेक्चर समझ आ गया होगा, तो यूट्यूब में और जूम क्लासेस के बारे में हम फर्दर सेशंस के अंदर बात करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।